दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर जो बच्चे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से अपने एग्जाम देंगे एक या दो दिन बाद, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दिया था, कल से उसका आगाज हो गया था। तो कल सेकेंड ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने बताए थे, आज हम बैचलर ऑफ एजुकेशन सीआरएसयू के फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन आने वाला है, फर्स्ट एग्जाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में अमूमन आ सकते हैं। तो गाइज, ये वाले जो क्वेश्चन हम लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले जो एमडीयू से रिलेटेड जो फर्स्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो मेरा रिक्वेस्ट है उन दोनों, उस सीरीज को भी और इस सीरीज को भी, दोनों को मिक्सअप करके इनकी तैयारी करना। दोनों में से कहीं से भी एग्जामिनर क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है अपने एग्जाम को आप लिखेंगे ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप लोगों के आ सके। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि सीआरएसयू के बच्चों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए, तो गाइस देखिए, हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है। तो गाइस, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज आप इन चीज पर जरूर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहले हम लोग अपने शॉर्ट नोट देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से शॉर्ट नोट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, वो आप देखेंगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आ सकती है कि इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलेसेंस एंड यूथ, यानी कि जो आज का मीडिया है, मतलब चाहे वो सोशल मीडिया आप लगा लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, जो भी चीज मीडिया से रिलेटेड है उन उसका क्या है, हमारे जो युवा बच्चे हैं या यूथ बच्चे जो एडोलेंस स्टेज के अंदर हैं उन पर क्या क्या प्रभाव डालता है, उसके बारे में एग्जामिनर या तो आपसे बड़े में पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर छोटे में शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो गाइस, इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलेंस एंड यूथ पर क्या पड़ता है उसका विवेचना कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है गाइस, वो आप लोग देख लेंगे क्या है कि रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, या तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टीचर का रोल स्कूल के अंदर क्या हो सकता है, या टीचर का जो रोल है वो स्टडी के अंदर क्या हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन को कैसे ना कैसे रोटेट करके क्या है आपसे वो पूछ सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि रोल ऑफ ए टीचर यानी कि अध्यापक का क्या रोल है पढ़ाई में, लर्निंग सिचुएशन यानी कि क्या क्या भूमिका एक टीचर बच्चों को पढ़ाने में लगाता है, उसकी क्या भूमिका रहती है, उससे रिलेटेड क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रेडी हो गया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर आप पढ़ना ताकि ये क्वेश्चन में आपके आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, वो हम लोग देख लेंगे क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज मेजर्स टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन सोशल डिप्राइव्ड गर्ल्स या चाइल्ड, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हम लोगों को अपने समाज के अंदर करनी चाहिए कि जो बच्चे सोशली डिप्राइव यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है, माँ बाप नहीं है, वो समाज से धुतकारे हुए हैं, उनको एक लेवल पर लाने के लिए कौन सी क्या क्या भूमिका हम लोग निभा सकते हैं, उसी के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मेजर्स टू ब्रिंग क्या क्या कार्य करने चाहिए टू इंप्रूवमेंट इन सोशली डिप्राइव, या तो गर्ल्स आ सकता है या फिर आपका चाइल्ड आ सकता है। तो एग्जामिनर इससे रिलेटेड भी क्या है गाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ के जरूर जाना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। अगला है गाइज आपका पीयर इन्फ्लुएंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर इन्फ्लुएंसेस का मतलब छोटा सा बता देता हूं कि क्या होता है। जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो जो माँ बाप हम लोगों को चीज देते हैं, बेटा आपको उस बच्चे के साथ जाना है, आपको ये चीज करनी है, तो बच्चा उन चीजों के साथ बाउंड हो जाता है और वही चीज करता है। और जैसे ही वो यूथ बनता है या एडोलेंस स्टेज के अंदर जाता है तो वो अपने हिसाब से अपनी चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो अपने चॉइस के अपने टेस्ट के हिसाब से क्या बनाता है। तो वही कह रहे कि उनके जो फ्रेंड है, मतलब पीयर है, मतलब जैसे बच्चे उनके साथ रहेंगे, मान लो आपके साथ कोई एक टैलेंटेड बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई की बात करता है तो डेफिनेटली उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है पीयर इन्फ्लुएंसेस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इसको जरूर आप जो है रट के जाना और याद करके जाना ताकि आप एग्जाम में इसको लिख सको। ठीक है गाइस, अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। अब क्या है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या है, छोटे में पूछ सकता है, बड़े में पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है, जैसे भी एग्जामिनर आपसे पूछे बस लिख देना ताकि नंबर आपके मिल जाए। अगला जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, या तो डिफरेंट टाइप्स आ सकता है या फिर डिफरेंट आपका काइंड आ सकता है, वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को क्या प्रभावित करते हैं उसके बारे में बड़े क्वेश्चन में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और छोटे में भी आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से ऐसे कारक या वो है जो हमारी लर्निंग को क्या प्रभावित करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वाला क्वेश्चन आपका छोटे में बड़े में कैसे न कैसे एग्जामिनर घुमा फिरा के गाइस देगा आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलेगा। अगले जो बड़े क्वेश्चन गाइस उनकी तरफ हम लोग अब मूव हो जाते हैं। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन रह गया आपका, मीनिंग ऑफ मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन वाला भी आपका टॉपिक आ सकता है, इसको भी प्लीज स्टडी करना ताकि इसको भी आप आराम से पढ़ सको। अब हम लोग आ जाते हैं आपके बड़े क्वेश्चन के अंदर गाइस, जो आपके बड़े क्वेश्चन है इनको जरूर आप देख लेना। पहला क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर 16 नंबर के अंदर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यानी गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है दिमाग में रट के जाना, कुछ भी ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से संबंधित एग्जामिनर कुछ भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो जरूर बना के इस क्वेश्चन को लिख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं और डिफरेंस दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, वृद्धि और विकास में से आप क्या समझते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कौन से प्रिंसिपल है वो बताइए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है, इनकी क्या चीजें होनी चाहिए। तो गाइज ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा और आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, राइट डाउन ए डिटेल नोट ऑन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जीन पियाजे के बारे में कुछ भी पूछा जाए, चाहे कॉग्निटिव थ्योरी पूछी जाए, चाहे जीन पियाजे के बारे में कुछ भी पूछा जाए उन्होंने क्या किया है, तो प्लीज एक नजर मार लेना कि जीन पियाजे बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे स्विट्जरलैंड के, क्या था, सब चीजें पढ़ लेना ताकि ये चीज भी आपको समझ में आ जाए, एग्जामिनर डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपको देगा, प्लीज पढ़ लेना। अगला है गाइस डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेवलप, डिफाइन द प्रिंसिपल ग्रोथ हो गया आपका। ठीक है गाइस, अगला आप देखेंगे कॉग्निटिव थ्योरी का भी हो गया आपका। अगला आप देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया, आज के टाइम में चाहे सोशल मीडिया चाहे कुछ भी मीडिया है इससे संबंधित एग्जामिनर आपसे सवाल जरूर पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया, हाउ द मीडिया अफेक्ट ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेंस या यूथ। भाई मीडिया क्या है आज के टाइम में, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म है जो मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो हमारे युवाओं को, हमारे एडोलेंस को, जो हमारे यूथ है उनको कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप लोग फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, पता नहीं ना जाने कितनी इंस्टाग्राम चलाते हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो इसी से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि भाई इनका क्या प्रभाव क्या है हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, उस पर क्या है, आप प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। गाइस डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर आप क्या याद करना और डेफिनेटली आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाते हैं गाइस, क्या है वो आप देख लेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डू द पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि जो मां बाप का स्टाइल है रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, वो हमारे यूथ पर, हमारे बच्चों पर वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस या प्रभाव डालता है वो आप बताइए। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाएगी, क्यों,
क्योंकि घर में अगर आपके माँ बाप या किसी के घर के माँ बाप अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को भी अच्छी गाड़ी रखने का शौक होगा, अच्छा खाना खाने का शौक होगा, अच्छी लग्जरी चीजें लेने का शौक होगा। तो यही कह रहा है कि माँ बाप का जो एक स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, सोचने का स्टाइल है, सब चीजें क्या है, वो कैसे इंपैक्ट डालती हैं बच्चों पर या एडोलेंस पर या यूथ पर, उसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के जो एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर दे सकता है। गाइज, एक तो ये वाला जो मैं आपको आज सीरीज चला रहा हूं, इससे पहले जो एमडीयू की सीरीज चलाई थी, मेरा रिक्वेस्ट है दोनों को मिक्सअप करके देखना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन डेफिनेटली दोनों में से ही आपको मिलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइज, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अगला है वो आप देखेंगे कि एक्सप्लेन एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन एक्टिविटीज। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वहां शॉर्ट में था और यहां पर बढ़ेगा है कि एक्सप्लेन एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन एक्टिविटीज। तो ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये वाला भी मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो देख लेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर्ट एंड गेम, प्लस क्या पूछ सकता है, एक्सप्लेन हाउ द चिल्ड्रन लर्न टू नेगोशिएट डिफरेंस एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द गेम्स। गेम्स के बारे में भी पूछेगा, क्या क्या प्रभाव डालते हैं, कितना बेनिफिट हो सकता है, क्यों बच्चों को गेम खेलना चाहिए, और यही बता रहा है कि डिफरेंस क्या है गेम और एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन गाइज मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे के सारे दोनों मिला के इनको रिवाइज करना, आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये चीज आपको मिलेंगी, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छा हो। तो गाइज, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।